दोस्तों आज हम आए हैं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। अभी हम यहाँ पर काल सर दोष की पूजा वगैरह के लिए आए हैं और हम आपको अभी आगे चलिए दिखाएंगे महाकालेश्वर मंदिर। भाई अंदर तो एंट्री कैमरे की होती नहीं है पर आप एक बार यहाँ का व्यू देखिए भाई, बहुत शांति मिलती है मन को। घाट है तो रामघाट को रामघाट के नाम से प्रसिद्ध है और आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजन चल रही है, बीच में ये जो मंदिर है यहाँ पर। दोस्तों हम आपको बताएंगे कालसर पूजा में क्या खर्चा आता है और कैसे कैसे पूजा की विधि होती है, पंडित जी से भी बात कराएंगे आपकी और आपको यहाँ का। वैसे तो अलग अलग चार्ज लगता है, पंडित जी के क्या चार्ज है वो पंडित जी बता देंगे, उनका नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं और एक बार पंडित जी से मिलवाते हैं आपको। महाराज की जय, माता की जय, महारानी की जय, धर्मराज भगवान की जय, मुक्तेश्वर महादेव की जय, एवं महापार्वती पते हर हर महादेव। काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र हरो, आनंद की लहर करो यजमान का। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था हम रामघाट पर आए हैं उज्जैन के अंदर और ये हमारे पंडित जी हैं जिन्होंने हमारी पूजा संपन्न की है। श्री महाकाल सभी को, ये आपको बताएंगे पूजा के बारे में क्या क्या मतलब कि खर्चा आता है और क्या आपको किस टाइप की पूजा करानी है, कितने टाइप की पूजा होती है, मतलब काल सर्प योग, पितृदोष वगैरह इन सब की ये आपको जानकारी देंगे। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। अवंतिका तीर्थ क्षेत्र में वैसे विशेष करके काल सर्प और पितरों का पूजन होता है। काल सर्प पूजन दो स्थान पर होता है, एक उज्जैन और एक नासिक। इसका भी एक बड़ा रीजन है क्योंकि जो महादेव थे उन्होंने नौ नाक विसर्जन करे थे। कहा जाता है कि सात नाक अवंतिका तीर्थ में करे थे और दो नाक नासिक में करते, इसलिए विशेष करके पूजन मात्र उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। पूजन का विशेष रहता है यहाँ पर, जैसे पितृदोष का ही पूजन होता है, राम जी ने आकर यहाँ पर रामगढ़ पर अपने पितरों का पिंड इत्यादि कर्म करा था, इसलिए यहाँ की विशेष मान्यता। यहाँ पर महाकाल नगरी है, महाकाल ज्योतिर्लिंग में आता सर्वप्रथम, इसलिए यहाँ का ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा यहाँ पर गुरु चांडाल का ही पूजन होता है, पितरों का पूजन होता है। इसके बाद मंगल का भी यहाँ पर पूजन होता है, मात्र एक ही स्थान है क्योंकि यहाँ पर अवंतिका तीर्थ में मंगल का उत्पत्ति स्थल है, इसलिए यहाँ पर मंगल का विशेष कर पूजन होता है। चार्जेस का रहता है तो कई प्रकार का पूजन होता है, जैसे सामान्य 1100 रुपये का पूजन होता है जिसमें गणेश अंबिका, नौ नागों का पूजन, नवग्रह शांति इत्यादि होकर उनको विसर्जन, चांदी के नाग नागिन होते उनको विसर्जन करा जाता है। इससे बड़ा पूजन 2100 का होता है, इसमें ग्रह शांति होकर पूजन होता है। इससे भी बड़ा 5100 का पूजन होता है, इसमें राहु केतु महामृत्युंजय जब सहित होता है। कई प्रकार के यहाँ पर पूजन कर्म संपन्न हमारे द्वारा किए जाते हैं। पंडित जी पूजा की विधि के इसके बारे में भी बताइएगा ये क्या क्या चीज है। कर्म यहाँ पर पूजन कोई सा भी कर्म करेंगे पहले हमें पंचांग कर्म करना पड़ेगा। जी जी, कोई सा भी कर्म हुआ तो पहले पंचांग कर्म करना पड़ेगा, पहले गणेश जी माता जी का पूजन हमें संपन्न करना पड़ेगा। जी जी। इसके बाद हमारे पुण्यवाचन, हम जीवन में पाप और पुण्य दो कर्म करते, जब तक हम पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे जब तक हमें संपूर्ण पुण्य नहीं मिल सकता। पहले जो हमने पाप करे उनका प्रायश्चित होगा, हमारी काया का मंथन होगा, इसके बाद ही हम पूजन में प्रवेश करेंगे। तीसरे नंबर की चर्चा करेंगे हमारी कुल की देवी का पूजन होगा कर्मों में, जो हमारी कुल की देवी उनका पूजन होगा, उनको आशीर्वाद लेने के लिए उनको यहाँ पर बुलाकर पूजन किया जाता है। चौथे नंबर पर बात आती है तो पितरों का पूजन होता है, पितरों को जल इत्यादि, अन्न भोजन इत्यादि दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, इसके बाद पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद जो पंचम कर्म होता है वो यहाँ पर ब्राह्मण का पूजन होता है, ब्राह्मण को तिलक वर्णन कराया जाता है जो ब्राह्मण हमारा पूजन करवाते हैं उनका। पांचवें नंबर की बात करें तो नौ नागों का पूजन होता है, उनके साथ में चांदी के नागनायन का पूजन होता है, उनकी माता नाम मनसा देवी का पूजन होता है। इसके बाद की बात करें तो हम नवग्रह की शांति होती है और शिव जी का पूजन होता है, और जितने देवी देवता को बुलाते उनका हवन होता है या पूजन का, जो चांदी के नागनायन रहते हैं उनको नदी में विसर्जन करा जाता है, यह पूजन का पूरा नियम होता है। ठीक है पंडित जी, तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता बताया है महाकालेश्वर मंदिर का और अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं। पंडित जी एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और फोन नंबर भी बता दीजिए। आचार्य पंडित दीपक गुरु, मोबाइल नंबर है 9301318152। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और मिलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करके, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और हम जा नहीं सकते कैमरा लेके, तो वहीं मिलेंगे दोस्तों। तो ये जो पूजा होती है ये देवभूमि पे ही होती है, देवभूमि में वो हैं जैसे कि नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, ये चार देवभूमि है वहाँ जहाँ पर कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेले पर ही ये पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों
काफ़ी अच्छी जगह है, एक बार आइएगा, घूमिएगा और फिर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो वीडियो को। ये देखिए आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ये मंदिर है यहाँ पे। दोस्तों ये रामघाट से कालेश्वर मंदिर तक जाने का, ये बीच में छोटी छोटी शॉप्स वगैरह पड़ती हैं, यहाँ पर पूजा पाठ का सामान और खाने पीने का भी सामान मिलता है, जैसे कि सामने है। और महाकालेश्वर मंदिर पहुँच चुके हैं, हमने एक गड़बड़ कर दी, हमने प्रसाद ले लिया, प्रसाद जो है ना अंदर मिलता है और ये बाहर की चीज़ें अलाउड नहीं है अंदर। चलो देखते हैं जैसे भी होगा, दोस्तों आपको दिखाएंगे मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर रुद्र भैरव जी हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब हम। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में प्रवेश के समय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। देखिए भाई भीड़ नहीं, देखिए भाई काफ़ी लोग अभी तक संभव नहीं आ रहा है, लाइन मटके हुए हैं। भाई देख लो भीड़ देख लो, तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए भाई, बहुत भीड़ थी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या माहौल है भाई, आ गया। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम करते हैं अभी तक चलते हैं दिल्ली की तरफ। दोस्तों हम रेलवे के रिटायरिंग रूम में रुके हुए हैं, जो कि हमें 500 रुपये में पड़ा था और ये हर किसी होटल के रूम से कम नहीं है। देखिए यहाँ पर सोफे वगैरह और टेबल वगैरह दी हुई है और ड्रेसिंग टेबल है। ये हमारी माँ जी हैं भाई, थक गई दर्शन करके। और भाई ये देखो बेड बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का है। और भाई टॉयलेट देख सकते हैं आप, और भाई एसी देखिए भाई बढ़िया है। 500 रुपये में और क्या मिल रहा है, रेलवे का फ़ायदा उठाइए भाई। ये देखिए खिड़की का आप देख सकते हैं, देखिए अब दिल्ली की तरफ चलते हैं भाई, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत और कल सुबह तक दिल्ली पहुंचना है। वहाँ हमारी एक अच्छी है छोटी सी होली, मिलवाएंगे आपको कभी होली से। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, आपका अपना चैनल है चौधरी ब्लॉग टीवी।